हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। आज हम अपने नए सेक्शन जिसका नाम है व्हाट इज स्पेशल अबाउट टुडे, जो कि आज की तारीख 12 दिसंबर के बारे में होने वाला है, और साथ में करंट अफेयर क्विज ऑन द यस्टरडे जो कि था 11 दिसंबर, तो उसको लेकर आपके सामने आए हैं। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सबसे पहले हम हैप्पी बर्थडे बोलना चाहेंगे हमारे भारतीय टीम के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज युवराज सिंह को, जिनका जन्मदिन अभी आज यानी कि 12 दिसंबर को है। इन्होंने स्टूडेंट्स जो है हमारे 2011 वर्ल्ड कप जिताने में और साथ में 2020 का जो 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था वो जिताने में काफी अहम योगदान दिया था। तो इनका जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1981 को हुआ था। तो यूवी बाजी हैप्पी बर्थडे। तो आइए शुरू करते हैं, जो आज की स्पेशल स्पेशल चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 12 दिसंबर को होने वाली ऐतिहासिक कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली घटना है पेंसिल्वेनिया के बारे में, यह आप पढ़ लीजिए। उसके बाद वॉशिंगटन डीसी के बारे में, फिर अमेरिका के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चौथा नंबर का पॉइंट ये वाला पॉइंट है, जिसमें दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में सबसे पहला क्रिकेट मैच जो टेस्ट मैच जो है वो 1884 में खेला गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ वाला, ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, ये काफी बार हमारे एग्जाम्स में भी आ चुका है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई, कब ट्रांसफर की गई थी, स्थानांतरित कब की गई थी, तो वो साल है 1911। उसके बाद आप देखिए छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, मैं इनको नहीं पढ़ रहा और आप इनको धीरे धीरे अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और जो चीज है वो एग्जाम में एक दो बार पूछी गई है कि हैदराबाद में हुसैन सागर झील को विशालकाय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई थी, वो कब स्थापित की गई थी, तो 1992 में स्थापित की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि 12 दिसंबर को कौन कौन से फेमस व्यक्ति जो जिनका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले व्यक्ति हमारे अभिनेता साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी हैं, जिनका जन्म जो है वो 12 दिसंबर 1949 में हुआ था। उसके बाद टेनिस खिलाड़ी टेसी ऑस्टिन का जो जन्म है वो 1962 12 दिसंबर के दिन ही हुआ था। और अभी थोड़ी देर पहले हम यूवी पाजी के बारे में बात कर रहे थे, तो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी, भारत के विश्व विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी के क्रिकेट प्लेयर जो हैं युवराज सिंह, युवराज पाजी का जो जन्म है वो 12 दिसंबर 1981 को हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं फेमस पर्सन डेथ ऑन 12 दिसंबर यानी कि 12 दिसंबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन कौन कौन है। तो राष्ट्रकवि के रूप में विश्व विख्यात हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त का जो निधन है वो 1964 में 12 दिसंबर के दिन ही हुआ था। राष्ट्र कवि के नाम से इनको सम्मानित किया गया है, ये इनको विश्व विख्यात जो है पदवी प्रदान की गई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हिंदी फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर का निधन 2005 को 12 दिसंबर के दिन हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है एक पर्सनैलिटी है भारत के फिल्म इतिहास में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का निधन जो है 2012 12 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद अगर आप बात करते हैं महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव जो 12 दिसंबर के दिन मनाए जाते हैं, वो है अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह जो कि 8 से 14 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और अंतिम पॉइंट है हवाई सुरक्षा दिवस सप्ताह जो है वो भी मनाया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 11 दिसंबर को कुछ करंट इवेंट्स हुए थे, तो उनके बारे में मैं 10 क्वेश्चन इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ आज के दिन, तो एक मिनट रुकी। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम जीके क्विज 11 दिसंबर 2020 को होने वाली, जिसके अंदर हम करंट इवेंट के 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट के माध्यम के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक व कवि मंगलेश डबराल का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ऑप्शन है 62, 74, 82 या 86। तो मैं यहाँ पे से आपके आपको सही उत्तर बता देता हूँ, आप गैस कीजिए और कहीं पर नोट कर लीजिए। तो सही उत्तर है यहाँ पे 72 ईयर्स यानी कि 72 वर्ष में हुआ था उनका निधन। और अगर आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको दिया भी गया है वीडियो, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस शहर के नए संसद भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। तो यहाँ से आप फटाफट इसको उत्तर नोट कर लीजिए, इसका उत्तर है नई दिल्ली में, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, 2 साल में बन जाएगा और ये लगभग जो है 100 वर्ष हमारा जो पुराना पार्लियामेंट संसद भवन है उसको दोबारा से उसका थोड़ा सा शिलान्यास किया गया उसके बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 5वां, 7वां, 10वां या 15वां।
यहाँ पर 10वां स्थान उनको प्राप्त हुआ है। और ये जो है सूची जारी करने वाला देश जो है जर्मनी ने जारी किया है, ठीक है, सूचकांक इंडेक्स जो जारी किया है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को कब से पूरे भारत में शुरू करने की घोषणा की गई? जनवरी 2021, मार्च 2021, जुलाई 2021 या नवंबर 2021? तो यहाँ पर सही उत्तर देख लीजिए, ये है जनवरी 2021 को, जिसको राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में पूरे देश में लागू किया जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 11 दिसंबर को विश्व कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हमने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, तो ये भी क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो यूएसए के द्वारा इसको घोषित किया गया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पत्रकार लेखक राजकमल झा को उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए कौन से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपको सीरीज बतानी, तो यहाँ पर वो उत्तर क्या है, तीसरा जो है वो अवार्ड से उससे सम्मानित किया गया उनको। तो आगे बात है फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? 27वां, 38वां, 41वां या 48वां उत्तर? फटाफट नोट कीजिए, उत्तर है 41वां। उसके बाद अगला आपका जो प्रश्न है वो है, इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी के, क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? कोरी एंडरसन किस टीम से जुड़े हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारतीय, न्यूजीलैंड? तो ये न्यूजीलैंड से जुड़े हुए स्टूडेंट, तो ये आपके क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एमएस धोनी, ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल, संदीप शर्मा। मोस्टली जो है यहाँ पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जी। महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्होंने आईपीएल से पहले संन्यास ले लिया था। तो अभी करंट की अगर बात कर रहे हैं तो पार्थिव पटेल जो है उन्होंने करंट में बिल्कुल संन्यास लिया है, तो यह इसका उत्तर जो है वो है पार्थिव पटेल। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलेटरी ने गूगल को 10 करोड़ व अमेजन को 3.5 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया है? तो जुर्माना किसने लगाया भाई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फ्रांस ने? तो ये लगाया है फ्रांस देश ने उनके ऊपर जुर्माना। ओके, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, कुछ आपको इस वीडियो से लाभ भी अवश्य मिला होगा। तो हमारी वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और वीडियो को स्किप करने से पहले, वीडियो को क्विट करने से पहले वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले ताकि वो भी महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सके। और अंत में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप अपने जो थॉट्स हैं और आइडियाज हैं हमारे साथ सजेशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।